बहुत बहुत स्वागत है। मैं 01334244008 ये नंबर दे रहा हूं, सुन लो भैया। कोई मां बहन बेटी के साथ देखो इस तरह की घटना होती है, हमसे संपर्क करें, हम बैठे हैं। तो पुलिस भी कहती है हमसे संपर्क करो, हम बैठे हैं। हम यही तो समझना चाह रहे हैं। आपने कहा कौन सा आपने आश्रम है, तो मैंने कहा हम हैं। और इस पूरे संदर्भ में यदि कोई पुलिस उसके FIR दर्ज नहीं करती है, उसके साथ गलत होता है, कुछ भी चीज होती है, हमारे प्रतिनिधि, और यदि कोई ऐसा मामला हुआ कि मैं खुद, क्योंकि मैं आपको पता है सुबह से शाम तक कामों में रहता हूं, उसके बावजूद आपने कहा कि कौन साथ देता है, तो मैंने साथ देने की बात की, तो आप तो कह रहे हैं कि भाई ये कोई बात हुई। आप प्रचार क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, आप खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं? आप न्याय की बात खुद कर, ये बात इतने हक के साथ नरेंद्र मोदी ने कर, आपने मेरे, देखिए आपने नंबर दे दिया। मैं जो खड़ा होता है, मैं कहा मैं खड़ा हूं। संत की कैटेगरी में बाबा रामदेव को नहीं रखा जा सकता, इसको आपको इस सच को मानना होगा। तो आप क्या, मैं शैतान दिखता हूं? आप योग गुरु के तौर पर आपकी पहचान है, आप योग सिखलाते हैं, योग बताते हैं। योग गुरु होना मतलब साधु नहीं होता? जिस तरीके से साधु संतों की परंपरा इस देश के भीतर अब आ गई है, उस कैटेगरी में आप खुद को रख रहे हो। मैं उसके अंदर, आप देखो, पुण्य प्रसन्न भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, मैंने सोचा आप बोल क्या रहे हो। आप उस कैटेगरी में ही अपने आप को रखना चाहते हो? किस आपने खुद दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ साधुत्व की बात की, मैं साधुता होनी चाहिए और उसको देश धर्म संस्कृति की सेवा करनी चाहिए, मैं उस श्रेणी में खड़ा हूं। और आपको मेरे चरित्र के ऊपर कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछिए, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और यदि मैं गुनहगार हूं तो मैं तो मैं न्यायालय में भी केस नहीं करूंगा, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। हमको एक ब्रेक से पहले एक बात बताइए, ये पूरी प्रक्रिया के बीच में आप लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप हक में क्यों आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, हम समझ नहीं पा रहे। देखिए नरेंद्र मोदी का एक जो राष्ट्रीय नेतृत्व, आप बीजेपी के साथ हैं कि मोदी के साथ हैं? मैं मुद्दों के साथ हूं। बीजेपी के साथ हैं कि मोदी के साथ हैं? मैं मुद्दों के साथ हूं, और मोदी क्योंकि हमारे मुद्दों पर सहमत है, कालाधन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के। और यदि बीजेपी मोदी का साथ नहीं देती तो मोदी के बिना बीजेपी मंजूर नहीं, ये मैंने आज बात कही है और वापस दोहरा रहा हूं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। लेकर भी कई सवाल इस दौर में आकर खड़े हुए हैं। बाबा रामदेव जी, हमारे जहन में इसलिए ये बात आ गई क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो बातें कही थी, दुनिया उस समय उलझी हुई थी और भारत इस समय इसी मुद्दे को लेकर उलझ गया है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। माना कि यहां के शासक कमजोर है लेकिन देश कमजोर नहीं। इसलिए 27 सितंबर को ही मुझे अमेरिका से आमंत्रण आया कि मैं उनकी सार्ध शताब्दी का जो चल रहा है महोत्सव, उसमें जाकर के उसी दिन भारत का संदेश पूरी दुनिया को दूं। तो मैं उस दिन वहां पर जा रहा हूं, शिकागो में उसी स्थान पर जहां से स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में संबोधन दिया था। और भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म और भारत की संस्कृति का क्या संदेश है आज के परिप्रेक्ष्य में भी इस पूरी दुनिया को, और कैसे इस भारत के हृदय निश्रेष को सिद्ध करके इसको विश्व की वही महाशक्ति, वही विश्व गुरु, इस भारत को वही जो पूरे यूरेशिया में कभी आर्यवर्त देश हुआ करता था, अपना गौरव कैसे प्राप्त करे, इस बारे में भी हम कहेंगे। और कैसे इस महान देश के जो बोने शासक, जिनको आजकल सोशल मीडिया और जो है तमाम जो है युवा हैं वो जिनको भोंदूर पप्पू कहते हैं, क्या वो इस देश को चला सकते हैं? तो आज विवेकानंद जी किसान मजदूर उस देश के उत्पादन का जिक्र किया करते हैं। मैं आज फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था मुंबई के सेंसेक्स से नहीं चलेगी। गांव मजदूर किसान, इस देश का आम आदमी, वो मेहनत करके इस हिंदुस्तान को खड़ा करेगा। इस देश में जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, जड़ी बूटियां, माने बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय संपदा, मानव संपदा का अपार सामर्थ्य है, लेकिन यहां के शासक वो चाहते हैं कि FDI आएगी तो देश आगे बढ़ेगा। वो माने देश और स्वदेशी के बारे में, उनको देश की ताकत के बारे में कोई बोध नहीं। आप इस मौके पर क्या राजनीतिक लाइन अब पकड़ चुके हैं? देखिए मेरी राजनीतिक लाइन पहले से भी स्पष्ट थी, मुझे MLA, MPP, CM, PM नहीं बनना है, लेकिन इस देश को बनाना है और बेईमानों से बचाना है जो इसको लूटने में लगे। इसलिए मैं तो एक पूरी चार्ज सीट लेकर बैठा हूं, ये 21 पॉइंट की चार्ज सीट है कांग्रेस के खिलाफ, कि किस तरह से 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली थी, रुपया डॉलर पाउंड तीनों बराबर थे, आज 67 वर्ष आजादी के होने के बाद बर्बादी में हम इतने आगे निकल गए कि $1 खरीदने के लिए 67 रुपए पे करने पड़ते हैं। ये केवल जो है एक दूसरे के देशों की मूल्य मुद्रा का मूल्यांकन मैं नहीं कर रहा हूं, देश को जहां ला करके खड़ा कर दिया, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ से जो है
देश का आज भी बाहर जा रहा है, माइनिंग के अंदर लूट हो रही है, इलीगल गोल्ड, इलीगल माइनिंग, इलीगल लैंड, और ये एक बाबा की आपने बात बताई, ये तो आप चारों तरफ देखो देश के अंदर तबाही मची हुई। चीज आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी सुधार देंगे, जो सवाल आपने उठा दिया है? देखिए, सुधारेंगे तो देश के लोग, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चाहिए आंखों के सामने जो भरोसा दिला सके, लोगों का विश्वास जीत सके और लोगों को ये आश्वासन दे सके कि आप लोग यदि काम करते हैं तो मैं रोड़ा नहीं अटकाऊंगा। जहां की सरकार व्यापारी, वहां की प्रजा हो जाती है भिखारी। इस देश के अंदर लोगों के हाथों को बांध दिया जाता है, अरे हम तो फकीर, हमें काम नहीं करने दिया जाता। आखिरी सवाल बता दीजिए हमें, ये सारी बात आप जो कह रहे हैं सिर्फ मोदी के लिए क्यों कहते हैं? आसाराम जी को क्यों नहीं समझाते आप जाके? आसाराम को समझाने के लिए आप बैठे हुए हैं ना, आप नहीं है तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। मैं जो है अपने अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निभा रहा हूं और देश के लिए जब भी जो मौका आएगा मैं अपना स्वधर्म और अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभाऊंगा। चलिए, यह स्थिति इस देश के भीतर की है जहां संकट की परिस्थितियां अगर हर क्षेत्र में है, तो क्या ऐसे में आसाराम ने जो कृत्य किए हैं उसके बाद आस्था देश की डगमगाई है? देश के सामने एक संकट का दौर है, बड़ा सवाल यह आकर खड़ा हो गया है कि जिस चीजों पे भरोसा किया जा रहा है वही डगमगा रही है। 8 तारीख को जंतर मंत्र से हम अपना शंखनाद फिर से शुरू कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन का और पूरे देश में जाएंगे। 13 तारीख से इस जो है यूपीए की 13वीं करने के लिए, कांग्रेस की 13वीं करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे 2013 में इस पापी सरकार का अंत हो जाएगा, 2014 से एक नए भारत का इतिहास लिखा जाएगा। हम बातचीत यहीं पर रोक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे तब बात मोदी की होगी।